टॉपिक है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट का टॉपिक, या जिसको ट्रांजिएंट करंट्स बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं, एकदम इंक्रीज एकदम डिक्रीज नहीं करते। तो ये कहाँ काम आता है? स्पेशली इंडक्टर के अंदर। जो इंडक्टर है, मान लो रजिस्टर है, और इसके साथ आपने एसी सप्लाई नहीं लगाई, डीसी लगाई, बैटरी लगाई। एसी के साथ तो पता ही है बिहेवियर क्या, इम्पीडेंस निकलेगी, वो कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, वो तो हम ऑलरेडी करके आए हैं एनसीईआरटी में। ये कहता है कि मैं लगाऊंगा डीसी, डीसी बैटरी को मैं ऑन करूंगा। मान लो 4 एम्पियर का मैक्सिमम करंट है, तो डीसी बैटरी जब करंट को बढ़ाएगी अपने अंदर से 1, 2, 3, 4, इंडक्टर कहेगा कैसे करंट ऐसे कैसे बढ़ाने दूंगा, मैं करंट को बढ़ने नहीं दूंगा। क्यों? अपोज करेगा, उसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, तो करंट जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ेगा नहीं, टाइम के साथ बढ़ेगा। इंडक्टर झगड़ा करेगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा करेगा, तो टाइम के साथ बढ़ेगा और बहुत देर के बाद करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब करंट 4 एम्पियर होगा, काफ़ी देर के बाद होगा क्योंकि इंडक्टर होने नहीं देगा, और मैं चाहता हूँ टाइम टी इक्वल टू 2 मिलीसेकंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस करंट बोलो कितना है, 3 मिलीसेकंड पे करंट कितना है, 4 पे कितना है, 5 पे कितना है, तो करंट कैसे निकालोगे, वो ये टॉपिक आपको बताएगा। तो जब तक करंट 0 से मैक्स नहीं हो जाता, उस दौरान करंट बढ़ रहा होगा, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो ग्रोथ ऑफ करंट है, बढ़ रहा होगा। तो पहला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ करंट। दूसरा, अगर मैं बैटरी को ऑफ कर दूं, हटा के फेंक दूं, इंडक्टर का ऐसे कैसे फेंक दे, 4 एम्पियर करंट अच्छा वाला जा रहा था, तुम 0 करना चाहते हो, मैं होने नहीं दूंगा। तो अब इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर करंट फिर से पैदा कर लेगा ताकि 0 ना हो। तो ना तो तुम मैक्सिमम कर पा रहे हो जल्दी जल्दी, ना तुम 0 कर पा रहे हो, तो इट विल टेक टाइम करंट 0 होने में, इंडक्टर नहीं होने देगा। तो टाइम के साथ करंट डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं डीके ऑफ करंट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। और मैं निकालना चाहता हूं कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम किस लेवल पे काम करने जा रहे हैं? ऐसा हम एक बार पहले भी कर चुके हैं चार्जिंग में, कैपेसिटर की चार्जिंग याद है, टाइम के साथ होती थी और डिस्चार्जिंग में टाइम के साथ। तो क्या टॉपिक का नाम क्या था? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, और इस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर हमने एक L लिया और एक R लिया, इंडक्टर एंड रेजिस्टर लिया। हमने इसके अंदर जो बैटरी है उसकी EMF मैक्सिमम है I0R, तो रेजिस्टर की EMF और इंडक्टर की EMF, तो इक्वेशन बनाई, करंट एक तरफ किया, बाकी टर्म एक तरफ की, थ्योरी आपने नहीं याद करनी, देखनी भी नहीं है, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट नोट करो, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि आपको सिर्फ करंट का फॉर्मूला ही आना चाहिए, प्रूफ नहीं करना हमने, ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर करंट कैसे इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा आई नॉट, मैक्सिमम करंट जो होगा 1 - e^(-R/L)T, टी फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम। या फिर ऐसा भी होता है इसमें, इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e^(-t)/L/R। ये एल बाई आर को हम लिख सकते हैं इसमें क्या, टाइम कॉन्स्टेंट याद है टाओ, तो टाओ इज इक्वल टू क्या, एल बाई आर। तो प्लीज इसे नोट करें, मेडिकल वालों को एक्सपोनेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, मुश्किल ही आएंगे, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट पूछ सकता है, एल पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, डिवाइड करके टाइम कॉन्स्टेंट पूछ सकता है, तो ये तो आप नोट करें। नॉन मेडिकल वालों को तो बहुत हाई चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन आने का मेंस में। तो करंट की वैल्यू आई नॉट e^(-1 - e^(-t)/L/R या फिर टी बाई टाउ। तो क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी करंट बढ़ रहा होगा तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। इस इक्वेशन को साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज़ ने निकाला था, तो इक्वेशन का नाम क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है टाइम कांस्टेंट क्या होता है। हाँ, ये आता है पेपर में, ये मार्क करें मेडिकल नॉन मेडिकल, कि अगर आप इस करंट को देखते हुए ग्राफ प्लॉट करें टाइम के साथ करंट कैसे बढ़ रहा है, तो मैथ्स वाले लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। मेडिकल के लोग वेरिएशन याद करेंगे कि करंट ऐसे बढ़ रहा होगा, और इनफाइनाइट टाइम पे जाके करंट क्या होगा, मैक्सिमम। इनफाइनाइट का मतलब बहुत देर के बाद मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंडक्टर होने नहीं देगा मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्राफ भी याद हो गया। फिर तीसरा ये याद करेंगे टाइम कांस्टेंट क्या होता है। टाइम कांस्टेंट सीधा याद करें,
जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम है जब सर्किट के अंदर ग्रोथ ऑफ करंट में करंट कितना हो जाएगा, 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट। ऐसा हमने आरसी सर्किट में भी किया था ग्रोथ ऑफ वो चार्जिंग वाले केस में। तो जब आप इसमें ग्रो कर रहे होंगे करंट, तो 63.2% ऑफ जब करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट, तो उस समय को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट में बैटरी को उठा के बाहर फेंक दो तो E0, करंट वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके ये मल्टीप्लाई है, करेक्शन है, ऐसे कर लो, I इज इक्वल टू I नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये लो, ये कर दो। ये फॉर्मूला याद करो डीके ऑफ करंट का, जब करंट नीचे गिर रहा होगा तो ये करंट की वैल्यू होगी। ये फॉर्मूला नोट करो, ठीक है। या फिर I इज इक्वल टू I नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाओ, ऐसे भी कर सकते हैं, ये टाओ इज इक्वल टू आर बाई एल, जो मर्जी कर लो। वैसे ये ज़्यादा चलता है आर और एल का, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यानी कि जब करंट बढ़ रहा होगा तो पहली इक्वेशन, कम हो रहा होगा तो ये इक्वेशन, बस आपको यही देखना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है। अब इसके अंदर टाइम कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है याद करो। टाइम कॉन्स्टेंट है कि जब करंट डीके हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, जब करंट कम हो रहा होगा, डीके हो रहा होगा, तो उस केस में जब करंट 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट हो जाएगा, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो ग्रोथ में टाइम कांस्टेंट में करंट क्या हो जाता है, 63.2%, और डीके में क्या हो जाता है, 36.8%। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, और ग्राफ आपने याद रखना है, जब डीके हो रहा होगा तो करंट मैक्सिमम से डीके होगा और जीरो होने में बहुत टाइम लगाएगा, इनफाइनाइट टाइम लगाएगा। ये ग्राफ की वेरिएशन भी आप याद करेंगे। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके बाद जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, कैपेसिटर वाला केस हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी में कर लिया था, तो ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी ये इक्वेशंस की हुई हैं। ठीक है यहाँ तक?